हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज के अंदर वेलकम टू क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यूकेजी स्टूडेंट्स प्रोमोटेड इन द क्लास फर्स्ट एंड फर्स्ट स्टूडेंट क्लास प्रोमोटेड इन क्लास सेकेंड। सो डियर स्टूडेंट्स वी वांट टू लर्न रिविजन वर्क। क्लास फर्स्ट के एंड सेकेंड के जो बच्चे हैं वो उनके लिए फर्स्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपका रिवीजन वर्क करवाएंगे। इन दिस वीडियो यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट कैपिटल लेटर। इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि कैपिटल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू राइट कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर, बट रिवीजन इज़ कंपलसरी। आपने कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स सीखे हैं बट रिवीजन सो मच इम्पोर्टेंट। सो टुडे वी स्टार्ट इन दिस वीडियो रिवीजन वर्क। बिफोर दिस वीडियोज यू हैव टू watch another videos, that videos you find the latest and new videos. Okay dear students, now we start how to write capital letter. Okay, now we start how to write a letter kaise likha jayega. So all students offer the four line notebook lijiye and with pencil, eraser and sharpener. Nobody use pen and nobody use single line notebook. कोई भी विद्यार्थी सिंगल लाइन की कॉपी यूज नहीं करेगा एंड नोबडी यूज पेन और पेन का भी प्रयोग ना करे। पेरेंट्स शुड गिव सजेशंस टू स्टूडेंट्स दे यूज फोर लाइन नोटबुक एंड पेंसिल। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को फोर लाइन की नोटबुक एंड पेंसिल प्रोवाइड करें एंड चेक द वर्क और उनका वर्क भी चेक करें। नाउ वी स्टार्ट हाउ टू राइट ए। अब हम ए लिखना सीखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ए इज़ सो सिंपल है। फर्स्ट टू मेक थ्री पॉइंट्स, पहले आपको थ्री पॉइंट बनाने हैं। दिस इज थ्री पॉइंट्स। नाउ मेक वन लाइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। देन यू मेक स्लीपिंग लाइन, दिस इज अवर ए लेटर। नेक्स्ट नाउ वी स्टार्ट हाउ टू राइट बी। अब हम बी लिखना सीखेंगे। फर्स्ट यू मेक स्ट्रेट लाइन 1, 2, 3। ऑल इंग्लिश कैपिटल लेटर्स रिटन इन थ्री लाइन्स। इंग्लिश के सारे कैपिटल जो लेटर हैं वो स्टार्टिंग की थ्री लाइन्स में लिखे जाएंगे। तो फर्स्ट यू मेक स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन बनाइए। यू मेक दिस लाइन, आपने लाइन बनाई। नाउ अब टच दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। बी इज सो सिंपल, बी जो है बहुत सिंपल है। नाउ वी राइट सी। अब हम सी लिखेंगे। सी इज सो ईजी, सी भी बहुत ईजी है। डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट टू राइट सी। अब हम सी लिखते हैं। मेक टू पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। पहले आपको टू पॉइंट्स बनाने, देन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को इस पॉइंट से टच करना है। दिस इज अवर सी लेटर। ये हमारा कौन सा लेटर बन गया डियर स्टूडेंट, सी। नाउ वी राइट डी। अब हम डी लिखेंगे। ओके नाउ वी स्टार्ट राइट डी। अब हम डी लिखेंगे। मेक फर्स्ट टू पॉइंट्स, पहले आप पॉइंट बनाइए, फर्स्ट एंड सेकेंड, टू पॉइंट। देन वन मेक स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन बनाइए। ओके दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, नाउ यू टच, ये हमारा हो गया डी। विच लेटर, दिस इज अवर डी। तो ये है ए बी सी डी। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे ई। हाउ टू राइट ई, इज सो सिंपल। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपको सिक्स पॉइंट बनाने हैं। नाउ मेक वन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाइए। दिस इज फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट है। देन वन स्लीपिंग, सेकेंड स्लीपिंग एंड थर्ड स्लीपिंग, ये हो गया ई। विच इज लेटर, दिस लेटर इज ई। ये हमारा कौन सा लेटर हुआ बच्चों, ई। ई फॉर एलिफेंट, ए बी सी डी ई। कौन सा लेटर हुआ, ई। देन ए बी सी डी ई। नाउ वी आर रिटर्न, अब हम लिखेंगे एफ। ई के बाद में लेटर कौन सा आता है, एफ। मेक फाइव पॉइंट, 1, 2, 3, 4, 5।
फर्स्ट मेक स्ट्रेट लाइन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज अवर एफ। तो ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। एफ के बाद में जी। अब क्या लिखेंगे बच्चों? जी। जी इज सो सिंपल, फर्स्ट यू मेक सी, पहले आप सी बनाइए, ओके, देन स्टैंड, देन स्लीपिंग। ये हमारा क्या बन गया? जी। जी फॉर गर्ल। नाउ वी राइट एच। एच इज सो सिंपल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव एंड सिक्स। सिक्स पॉइंट, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, सेकेंड स्ट्रेट लाइन, देन वन स्लिपिंग लाइन। ये हो गया एच। नाउ वी राइट आई। टू स्लिपिंग एंड वन स्टैंडिंग मेक आई, वन टू थ्री फोर। दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड एंड स्ट्रेट। ये हमारा क्या बन गया? आई। आई फॉर इंक फूट, आई फॉर इंक फूट। आई के बाद में अब हम लिखेंगे जे। फर्स्ट मेक स्लीपिंग, देन मेक स्टैंडिंग, देन टर्न। ये क्या हो गया? जे। क्या हो गया बच्चों? जे। नाउ वी राइट के। वन टू थ्री फोर फाइव। फर्स्ट स्टैंडिंग, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये हमारा हो गया के। के फॉर काइट, के फॉर काइट। के बाद में एल। वन टू थ्री फोर, स्टैंडिंग स्लीपिंग। ये हो गया एल। एल फॉर लॉयन, एल फॉर लॉयन। एल फॉर क्या होता है बच्चों? लॉयन। एल के बाद में अब हम लिखेंगे एम। एल एम, एम इज सो सिंपल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड पॉइंट। एल का, एल के बाद में क्या आता है? एम। फर्स्ट स्टैंडिंग, सेकेंड स्टैंडिंग, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये हमारा हो गया एम। क्या हो गया बच्चों? एम। एम के बाद में एन। वन टू थ्री फोर, फर्स्ट सेकेंड। एम के बाद में क्या आता है? एन। क्या आएगा? एन। टू स्टैंडिंग लाइन, नाउ दिस पॉइंट टच। ये हो गया एन। एम एन। अब हम लिखेंगे ओ। हाउ टू राइट ओ? फर्स्ट टू पॉइंट, वन टू थ्री फोर, फोर पॉइंट। नाउ टच ऑल पॉइंट्स दिस टाइप। ये हमारा ओ हो गया। कौन सा लेटर हुआ बच्चों? ओ। ओ फॉर ऑरेंज। नेक्स्ट हम वी राइट पी। अब हम पी लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, एम एन ओ पी। पी इज सो सिंपल, फर्स्ट स्टैंडिंग, टच टू पॉइंट्स। ये हो गया पी। पी के बाद में क्यू। वन टू थ्री फोर, ये क्या हो गया? Q, P, Q, R, R इज सो सिंपल, पहले स्टैंडिंग लाइन बनाओ फिर टू। ये हो गया R, P, Q, R, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R। अब हम लिखेंगे S, S इज सो सिंपल, पहले सिक्स पॉइंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऑल पॉइंट टच। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये हमारा हो गया एस। देन टी। अब हम टी लिखेंगे, वन टू थ्री, ये क्या हो गया? टी। एस टी। नाउ वी स्टार्ट यू। वन टू थ्री फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये हमारा हो गया U, S, T, U, V। अब हम लिखेंगे V, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U। U के बाद में क्या आएगा? V। वन टू थ्री, S, T, U, V। W, W इज सो सिंपल, वन
टू थ्री फोर फाइव एस टी यू वी डब्लू ये हो गया डब्लू। डब्लू के बाद में एक्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गर्ल, एच फॉर हैन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लॉयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पीकॉक, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज, एस फॉर सीप, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन, डब्लू फॉर वॉच, डब्लू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्सरे, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये हो गया एक्स। नेक्स्ट एक्स के बाद में वाई एंड जेड, ये हमारा होगा वाई। वाई कैसे लिखेंगे बच्चों? वेरी सिंपल, वन टू थ्री फोर, एक्स के बाद में ये है हमारा वाई और ये है जेड, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर जेब्रा, जेड फॉर क्या होगा बच्चों? जेब्रा। तो इस प्रकार से हमने रिविजन वर्क के अकॉर्डिंग सारे लेटर्स और लेटर्स हमने लिखे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। शो डियर स्टूडेंट्स राइट ऑल लेटर्स इन योर फोर लाइन नोटबुक, आप भी जो हैं सारे लेटर्स अपने फोर लाइन की नोटबुक में लिखिए और उनको लर्न कीजिए। वेरी इजी हैं, पॉइंट बना के लिखोगे तो और भी इजी हैं। इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिखे तो आपको और भी इजी लगेंगे। एस बिल्कुल इजी हैं, सिक्स पॉइंट बना के जब हम उनको टच करते तो हमारा एस लेटर बनता है। वन स्लीपिंग और वन स्टैंडिंग तो हमारा टी बनता है, टू स्टैंडिंग के बीच में वन स्लीपिंग आती है तो यू बनता है। सिक्स पॉइंट ई में वन स्टैंडिंग थ्री स्लीपिंग ई बनेगा, वन स्टैंडिंग टू स्लीपिंग एफ बनेगा, तो ये हमारा ए से लगा के जेड तक कंप्लीट हुए। और बच्चों मैंने आपको इसमें वॉवल बताए थे ना, इसके अंदर वॉवल कौन कौन से हैं? ए, ए क्या है बच्चों? वॉवल, ई वॉवल, आई वॉवल, ए ई आई ओ और यू, ये सभी वॉवल है। 26 लेटर होते हैं ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट डियर स्टूडेंट्स? 26 एंड 21 आर कॉन्सोनेट, 21 आर कॉन्सोनेट, 21 कॉन्सोनेट होते हैं एंड 5 वॉवल्स, और 5 क्या हो गए? वॉवल्स, इजिकल टू कितने हुए? 26, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वॉवल हैं। 1 ए ई I O U, दीज आर 5 वॉवल्स, दीज आर 5 वॉवल्स, ये आपके 5 वॉवल्स हैं एंड 21 आर कॉन्सोनेंट, और 21 आपके क्या हैं? कॉन्सोनेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स राइट कैपिटल लेटर इन योर फोर लाइन नोटबुक, आप अपने फोर लाइन की नोटबुक में ऑल कैपिटल लेटर्स लिखने। आफ्टर दिस वीडियो यू वॉच द हाउ टू राइट स्मॉल लेटर्स, इस वीडियो के बाद में आपको हम स्मॉल लेटर्स लिखना सिखाएंगे। ओके शो स्टार्ट टू राइट कैपिटल लेटर्स इन योर फोर लाइन नोटबुक विद पेंसिल, पेंसिल से आपको सारे कैपिटल लेटर्स लिखने। ओके डियर स्टूडेंट्स राइट स्टार्ट टू राइट, मेक पॉइंट देन राइट, पॉइंट बना के लिखोगे तो आपको इजीली लिख पाओगे, बट आई थिंक दैट स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, कक्षा फर्स्ट और सेकेंड के जो बच्चे हैं दे हैव ऑलरेडी नो हाउ टू राइट कैपिटल लेटर्स, उनको ऑलरेडी पता है कि कैपिटल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, बट रिवीजन इज सो कंपलसरी, शो दिस वीडियो फॉर इम्पोर्टेंट फॉर रिवीजन वर्क, इसलिए ये वीडियो जो है रिवीजन वर्क के तौर पे अपडेट किया गया है फॉर द क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके डियर स्टूडेंट स्टे इन होम, लिव हैप्पी, लिव हेल्थी एंड बी कंटिन्यूस टू वॉच ऑल वीडियोज,
and don't forget to subscribe the channel and follow the like button and write all capital letters in your फॉलाइन notebook. Parents जो हैं बच्चों को फॉलाइन के notebook में वर्क करने को advise करें और pencil से वर्क करने को बोले और parents जो हैं बच्चों का वर्क भी check करें. Okay, see you in next video. Video को like ज़रूर करें और subscribe ज़रूर करें.